बैतुल कोर्ट के पास टीआई समेत दो पुलिस कर्मियों से महिला द्वारा झूमा झटकी करने का मामला सामने आया है। महिला के नाखूनों से चोटिल हुए टीआई का मुलायजा कराया गया है। महिला अपने पति को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पुलिस से भिड़ी थी। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। दरअसल चिचोली निवासी रितेश मालवीय चेक बाउंस के मामले में 2018 से रितेश फरार चल रहा था। कोर्ट ने रितेश की गिरफ्तारी करने स्थायी वारंट जारी किया था। चिचोली थाना प्रभारी हरिओम पटेल के बस स्टैंड के पास घूमने की सूचना आई। इस पर वे मुंशी और एक हवलदार के साथ वारंट तामील करने पहुंच गए। टीआई ने उसे 2018 के चेक बाउंस के बारे में जानकारी देकर न्यायालय में पेश करने की बात कही। उस वक्त आरोपी रितेश का साला भी था। साले ने अपनी बहन को पुलिस द्वारा उसके पति को पकड़ने की बात फोन पर बता दी। इस पर रितेश की पत्नी मौके पर पहुंच गई। यहां आकर उसने टीआई से झूमा झटकी शुरू कर दी। टीआई के हाथों में नाखून गड़ा दिए। दोनों पुलिसकर्मियों की पकड़ से पति को छुड़ाने के लिए भी भिड़ गई। तमाशा होते देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में टीआई और पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद महिला के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया गया। टीआई हरिओम पटेल ने बताया कि मैं उसके पति को समझा रहा था कि पकड़ कर न्यायालय के सामने पेश करेंगे। इस बीच उसकी पत्नी ने झूमा झटकी शुरू कर दी। महिला होने की वजह से मैंने उसे छुआ भी नहीं। मुंशी और हवलदार को भी नाखूने मारे हैं। सर, थाने में सूचना प्राप्त हुई कि 2018 का एक स्थायी वारंटी बैतूल बस स्टैंड पर आया हुआ है। सूचना पर तुरंत मेरे हेड साहब को रवाना होकर के हेड साहब के साथ में बस स्टैंड आया, जहां उक्त वारंटी उसके साले के साथ मिला। वारंटी को हमने वारंट दिखाया, उसको बताया कि आपका 138 का 2000 का स्थायी वारंटी है, आपके हमको लिखा पढ़ी करना है, उसके बाद आपको कोर्ट पेश कर देंगे। उसके साले ने उसके परिजनों को, उसकी पत्नी को, वारंटी की पत्नी को बुलाया और वारंटी को लिखा पढ़ी नहीं करने दी और पुलिस के साथ झूमा झटकी की। आपको क्या चोट लगी इसमें और कौन कौन घायल हुआ इसमें? मेरे को भी चोट आई है, इसकी पत्नी ने और इसके द्वारा नाखून वाखून झूमा झटकी की है, हाथ में चोट आई है, मेरे कोर्ट मुंशी को चोट आई है और मेरे प्रधान आरक्षक को, तीनों को चोट आई है। क्या शिकायत कर रहे हैं सर कोतवाली में आप? कोतवाली मेरा मेडिकल करा रहे हैं, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि महिला द्वारा पुलिस स्टॉप से झूमा झटकी का मामला सामने आया है, मामला दर्ज किया है। अभी आज चिचोली थाना प्रभारी एवं उनकी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2018 से 138 NIA का स्थायी वारंटी रितेश मालवी फरार चल रहा था, वो बस स्टैंड के पास देखा गया है। तो इन्होंने उसको पकड़कर उसे बताया कि उसके स्थायी वारंट के बारे में अवगत कराया, तो उसकी पत्नी के द्वारा जो है पुलिस बल को गिरफ्तारी का विरोध कर हाथ से नाखून से जो है झूमा झटकी करके चोटें पहुँचाई गई है। जिस उक्त मामले पर अभी तत्काल पर MLC कराई जा रही है और फिर तस्दीक करके जो वैधानिक कार्रवाई होगी संबंधित कार्रवाई की जाएगी। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, रोड सागर।